मॉर्निंग बच्चों अभी तक हमने रि की मात्रा को सभी व्यंजनों के साथ जोड़कर पढ़ना सीखा है। आज हम रि की मात्रा वाले शब्दों का अभ्यास करेंगे। बच्चों रि की मात्रा इस प्रकार लगाई जाती है। रि की मात्रा हमेशा व्यंजन के नीचे लगाई जाती है। बच्चों आप सब ध्यान से देखेंगे और सुनेंगे। आओ बच्चों अपने दिए गए शब्दों का अभ्यास करें। घ रि की मात्रा घ्री त, इनको मिलाकर हमारा शब्द बनेगा घृत। म रि की मात्रा मृत मृत। म रि की मात्रा मृ। बच्चों यहाँ पर हमारे दूसरे व्यंजन के साथ छोटे उ की मात्रा लगी हुई है। यहाँ पर उच्चारण छोटे उ का किया जाएगा। द छोटे उ की मात्रा दो। मृदु भ रि की मात्रा भी। ग छोटे उ की मात्रा गु भृगु। प रि की मात्रा भी। थ छोटों की मात्रा थू पृथु। क रि की मात्रा क्रि श क कृषक। व रि की मात्रा वृ श भ वृषभ। क रि की मात्रा क्रि। बच्चों यहाँ पर हमारे व्यंजन के साथ आ की मात्रा जुड़ी हुई है तो यहाँ पर उच्चारण आ का किया जाएगा। प आ की मात्रा पा न विपान। म आ की मात्रा मा। त रि की मात्रा री। बच्चों यहाँ पर हमारे व्यंजन के साथ बड़े उ की मात्रा लगी हुई है तो उच्चारण बड़े उ का किया जाएगा। भ बड़े उ की मात्रा भू। यहाँ पर मात्रा छोटी की लगी हुई है उच्चारण छोटी की मात्रा का किया जाएगा। म छोटी की मात्रा मी मातृभूमि। म रि की मात्रा मृ। ग न य यहाँ पर मात्रा बड़ी की है तो उच्चारण बड़ी की मात्रा का किया जाएगा। न बड़ी की मात्रा नी मृत नयनी। बच्चों हम फिर से अपने शब्दों का अभ्यास करेंगे। घ रि त घृत। म रि त मृत। म रि द उ मृदु। भ रि ग उ भृगु। प रि थ उ पृथु। क रि श क कृषक। व रि श भ वृषभ। क रि प आन पिपान। म आ त रि भ उ म ई मातृभूमि। म रि ग न य नी मृत नयनी। बच्चों आप भी इसी प्रकार इन शब्दों का अभ्यास करेंगे। धन्यवाद।